अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ पीएचडी सेशन। हाउ आर यू ऑल? नाउ वी विल स्टार्ट अवर ओरल सेशन। ओरल सेशन में सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे चौथा कलमा, ये आप लोगों की पीपी बुक के पेज नंबर 5 पे है। ओके, रिवाइज विथ मी। आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथा कलमा तौहीद। तौहीद माने अकेला। ला इलाहा इल्लल्लाहु वादहु ला शरीक लहु लहु अल-मुल्क व लहु अल-हम्द युही व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियादिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। आप लोग भी इसी तरह से चौथा कलमा रिवाइज करेंगे अपनी पीपी बुक से पेज नंबर 5 से। उसके बाद हमारी बाकी रीडर्स ख़त्म हो चुकी हैं, इसलिए हमारी जो अब सबसे फर्स्ट वाली रीडर थी द ट्वाइस पार्टी, हम अगेन वहाँ से रिवाइज करेंगे। तो इस वीक में आप लोगों को द ट्वाइस पार्टी रिवाइज करनी है, ठीक है? आप लोगों की ट्वाइस पार्टी है, ये आप लोग रिवाइज करेंगे इस पूरे वीक में। और चौथा कलमा ये आप लोगों का ओरल है प्रियर 3 सेशन का। नाउ वी विल स्टार्ट अवर जीके कॉपी वर्क। जीके की कॉपी में आपका वर्क है प्रोफेशंस। प्रोफेशंस आप कर चुके हैं पहले भी, डॉक्टर, टीचर, पायलट, नर्स, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको दो लिखवा के बता रही हूँ, लिख के बता रही हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा डॉक्टर। प्रोफेशंस बहुत सारे होते हैं, मौज़न भी होता है जो अजान देते हैं, वो भी प्रोफेशन में आते हैं। और नर्स होती हैं, मेड होती हैं जो काम करती हैं बुआ, वो भी प्रोफेशन होता है। तो इसके अलावा डॉक्टर, टीचर, नर्स, पायलट, इसके अलावा जो भी प्रोफेशंस हैं, इसके अलावा अगर आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे तो वो यहाँ लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने लिखा है डॉक्टर, टीचर, पायलट, नर्स, ठीक है, मौज़न, और जो भी हैं इसके अलावा आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई 5 लिखने हैं या उससे ज़्यादा लिखने हैं तो वो लिख सकते हैं। ये आपका जीके की कॉपी का वर्क है। इसके बाद हमारा इंग्लिश की बुक का वर्क है, पेज नंबर 5 है। ये हमारा है द अल्फ़ाबेट, ठीक है? वर्ड्स इन अ डिक्शनरी आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हमें अल्फ़ाबेट से लिखना है। जैसे यहाँ पर देखें, आन, बटन, केन, तो हमने यहाँ क्या देखा, सबसे पहले ए आता है, ए, तो हमने इसे ऐसे आन, व्हाट कम आफ्टर ए, ग, ख, ठीक है? इसी तरह से हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको राइट कर दिया। अब देखें यहाँ, राइट दीज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन योर नोटबुक। हमें यही वाला वर्क अब कॉपी में करना है। यहाँ पे देखें, रीअरेंज हुए हुए, हमको हमें इन्हें अरेंज करके लिखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की तरह। अब सबसे फर्स्ट वाली लाइन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसी तरह से आप लोगों ने बाकी काम भी करना है, ठीक है? सबसे पहले देखें, यहाँ बुक है, सेकंड पे आम है और थर्ड पे कप है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में हमें क्या मिलता है, ए या ए, ठीक है? उसके बाद सेकंड पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, बी, एंड थर्ड पे सी। तो हम जब कॉपी में राइट करेंगे तो हमारी कॉपी देखें किस तरह से आपने लाइंस ड्रॉ करनी है, इस तरह से द अल्फ़ाबेट और पेज नंबर 5, ठीक है? इसलिए अब हम सबसे पहले अल्फ़ाबेट में हम यहाँ क्या लिखेंगे, हमने जो यहाँ पे देखा था आम, तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाले कॉलम में आम। उसके बाद सेकंड अल्फ़ाबेट कौन सा आ रहा है हमारा, बुक, ब, बुक, ओके, एंड थर्ड कप। तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे, क, कप, ठीक है? इसी तरह से आप बाकी पेज भी देखेंगे,
और इस वाली लाइन में जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है सबसे पहले वाले कॉलम में वही लिखेंगे आप, सेकंड जो अल्फ़ाबेट आएगा वो लिखेंगे और थर्ड जो अल्फ़ाबेट आएगा वो थर्ड वाले में। इस तरह से ये कंप्लीट करेंगे आप। पेज नंबर 5 है आपकी बुक का जो आपको कॉपी में वर्क करना है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अवर रिटर्न वर्क। रिटर्न में हमारा उर्दू कॉपी वर्क है। सबसे पहले आपको उर्दू में उर्दू गिनती लिखनी है 1 से 10 तक अल्फाज और हिंसों में। सबसे पहले हम हिंसे में लिखेंगे यहाँ 1, उसके बाद अल्फाज में हम कैसे लिखेंगे, अलिफ ये काफ 1, इसी तरह से 1 के बाद हम क्या लिखेंगे 2, इसके सामने हम लिखेंगे दाल वाओ 2, इसी तरह से हम हिंसों में लिखेंगे 3 और आगे लिखेंगे ते ये नून 3, 4 जे अलिफ 4 रे साकिन 4, 5 पे अलिफ नून चे 5। ओके, आप लोग इसी तरह ये पूरी 10 तक लिखेंगे अल्फाज और हिंसों में वर्क है आपका उर्दू की कॉपी में। उसके बाद हमारा उर्दू की बुक में वर्क है पेज नंबर 91 पे। तस्वीर देखकर मुंदरजा ज़ेल सवालात के जवाबात खाने में से चुनकर लिखिए। देखें यहाँ मददगार अल्फाज भी लिखे हुए हैं, लड़की सफ़ेद 3 गुलाबी बादल। इन्हीं अल्फाज को देखकर आप लोगों ने यहाँ पे जवाब देने हैं जो सवाल दिए हुए हैं तस्वीर देखकर। ठीक है, अब यहाँ देखें सबसे पहले क्या सवाल है, टोकरी किसके हाथ में है। अब देखें यहाँ पे तस्वीर देखें आप, तस्वीरी तफ़ीम इसीलिए कहते हैं कि हम तस्वीर देखकर भी जवाब लिख रहे हैं। टोकरी किसके हाथ में है, जी लड़की के। अब लड़की कहाँ लिखा है ये, और टोकरी यहाँ लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, टोकरी लड़की के हाथ में है। अगर ये पूरा आप नहीं लिख सकते इतना बड़ा, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि लड़की के हाथ में, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं, लेकिन आंसर अगर पूरा देना है तो टोकरी लड़की के हाथ में है। इसी तरह दूसरा सवाल क्या है, बतख किस रंग की है। अब सब देखें बतख किस रंग की है, सबको नज़र आ रही है सफ़ेद, और सफ़ेद कहाँ लिखा है यहाँ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिर्फ सफ़ेद रंग की। ओके, इसी तरह बाकी सवाल भी देखेंगे और तस्वीर देखकर इसके जवाब देंगे और पेज नंबर 91 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आप लोगों का पेज नंबर 92 भी यही है। इसमें देखें टॉपिक चेंज हुआ है, तस्वीर चेंज हुई है इसमें। इसमें देखें क्लासरूम दिखाया हुआ है और इससे मुताबिक सवालात हैं। इसमें भी इसी तरह मददगार अल्फाज लिखे हुए हैं, किताब लड़का कुर्सी डब्बे 5। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, सवाल उस्तानी किस चीज़ पर बैठी है। अब देखें यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर कुर्सी, कुर्सी पर। अगर पूरा लिखना है तो पूरा हम इस तरह से लिख सकते हैं, उस्तानी कुर्सी पर बैठी है। इसी तरह से आप दूसरा सवाल पढ़ेंगे उसका जवाब देंगे और बाकी भी इसमें जो सवाल आते हैं उनके जवाब दे के पेज नंबर 92 कंप्लीट करेंगे उर्दू की बुक में। इसके बाद आप लोगों का उर्दू की बुक जो तफहीम है उसका वर्क है पेज नंबर 33 पे। ये इआदा है, हम जो पहले कर चुके हैं उसी का ये रिवीजन है। इआदा हम किसे कहते हैं, जो हम दोबारा रिवाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, फलों के नाम लिखिए। सबसे पहले देखेंगे हम कौन सा फल है यहाँ पे, सेब, तो हम इसके सामने क्या लिखेंगे, सीन ये बे सेब। इसी तरह से केला, काफ ये के लाम अनिफला केला। ठीक है, ये आप लोग इसी तरह से बाकी भी देखेंगे, आम और यहाँ पे क्या है नारंगी, इन सब के नाम लिखेंगे। उसके बाद दूसरा सवाल है, 3 परिंदों के नाम लिखिए और किसी 2 के जुमले बनाइए। ठीक है, यहाँ किसी 3 परिंदों के नाम लिखने हैं, जैसे चिड़िया कबूतर कौवा कुछ भी लिख सकते हैं। सही है, चिड़िया कौवा कबूतर। ठीक है, और इसी तरह इसमें से किसी 2 परिंदों पे जुमले बना लें। ठीक है, जैसे चिड़िया उड़ती है, ये चिड़िया दाना खाती है,
इसी तरह से आप दो जुमले यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। और ये पेज नंबर 33 उर्दू की बुक जो तफहीम है उसका कंप्लीट करेंगे। ये आप लोगों के इस वीक का पूरा उर्दू का वर्क था जो आपने उर्दू की कॉपी और बुक में कंप्लीट करना है, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट अवर मैथ्स कॉपी वर्क। मैथ्स की कॉपी में आप लोगों ने टेबल ऑफ 4 किया था लास्ट वीक में, इस वीक में टेबल ऑफ 5 का। टेबल ऑफ 5 पहले हम रिवाइज करेंगे उसके बाद राइट करेंगे, ठीक है। 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fives are 25, 5 sixes are 30, 5 sevens are 35, 5 eights are 40, 5 nines are 45, 5 tens are 50, ओके। आप लोग ये रिवाइज करेंगे उसके बाद राइट करेंगे। 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fives are 25, इसी तरह आप 10 तक ये कंप्लीट करेंगे 5 का टेबल, ओके। ये आपका मैथ्स कॉपी वर्क है। नाउ टुडे यू हैव टू डू द वर्क ऑन पेज 75 इन मैथ्स बुक। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्वार्टर 2, ओके। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखें, व्हेन बिग नीडल इज ऑन 9, देखें बिग नीडल कहाँ है, 9 पे, एंड देन इट इज मीन्स द टाइम इज क्वार्टर 2। क्या होगा यहाँ पे, क्वार्टर 2। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट वाली नीडल जो है, बिग नीडल कहाँ थी, 9 पे, और स्मॉल वाली नीडल कहाँ थी, 4 पे। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास टाइम, क्वार्टर 2 4। अब यहाँ पे हमारे पास बिग नीडल 9 पे है अगेन, और स्मॉल नीडल 6 से थोड़ी सी पहले है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्वार्टर 2 6। इसी तरह थर्ड वन देखिए आप, यहाँ पे बिग नीडल कहाँ है, 9 पे अगेन, और स्मॉल नीडल 8 पे। तब यहाँ पे क्या टाइम होगा, क्वार्टर 2 8, ठीक है। हमने ओ क्लॉक किया था, क्वार्टर पास किया था, और आज हमने क्वार्टर 2 किया, ठीक है। पेज नंबर 75 पे है आपका मैथ्स की बुक में। मैथ्स में आपने टेबल ऑफ 5 किया है और क्वार्टर 2 का पेज किया है हमने, पेज नंबर 75 ये आपका इस वीक का मैथ्स का वर्क है, ओके। ये वर्क आप लोग कंप्लीट करेंगे इंग्लिश उर्दू मैथ्स और ओरल इस वीक में, और फिर कॉपीज यहाँ पे आप सबमिट करवाएंगे स्कूल में, ओके। अल्लाह हाफिज़।